जो बात मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद कही थी कि एक विश्वास आप मेरे ऊपर करिए, आपका विश्वास मैं जीत करके रहूँगा, मुझे लगता है वो विश्वास मैंने जीता है। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाले सभी लोगों का, खास करके जगत प्रसाद नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे चाणक्य कहे जाने वाले, हिंदुस्तान के राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले, भारत के यशस्वी गृहमंत्री आदरणीय मतलब अमित भाई शाह ने, महाराष्ट्र के आदरणीय नेता देवेंद्र फडणवीस साहब जी के मार्गदर्शन में मैं यहाँ काम करता हूँ। मैं किसका किसका नाम लूँ, मेरे लिए सभी जो भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व है और यहाँ महाराष्ट्र में भी, चाहे हमारे मित्र आशीष सलार जी हों, चाहे मुंबई के अध्यक्ष हों, चाहे चंद्रशेखर बावन कॉलेज हों, इसके पहले चंद्रकांत दादा पाटिल थे, सभी लोगों ने कभी कृपा शंकर को अलग नहीं समझा। यही कारण था कि मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी में आके न मैं कभी अकेलापन लगा, न भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझे अपने से अलग समझा। यही कारण था कि आज विश्वास मैं प्राप्त कर लिया हूँ और वो विश्वास फिर से जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार के रूप में दिया है, जौनपुर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार के रूप में दिया है, और मैं जहां रहता मेरे घर के पास बहुत सालों से कमल खिलता रहा है, अब मुझे लगता है कि पूरे जौनपुर में तालाब ऐसे होगा जहां कमल ही कमल दिखाई पड़े। जौनपुर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, उनका विश्वास प्राप्त करना चाहेंगे, किस तरीके से उनको कहेंगे कि अब तक जिन जिन पर भरोसा दिलाया है एक बार कृपा शंकर सिंह पर भी भरोसा दें, उनके जो भी समस्याएं हैं वो। मैंने कहा आपसे उनका विश्वास प्राप्त करना ये मेरा मुख्य ध्येय है। जो बात मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद कही थी कि एक विश्वास आप मेरे ऊपर करिए, आपका विश्वास मैं जीत करके रहूँगा, मुझे लगता है वो विश्वास मैंने जीता है। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाले सभी लोगों का, खास करके जगत प्रसाद नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे चाणक्य कहे जाने वाले, हिंदुस्तान के राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले, भारत के यशस्वी गृहमंत्री आदरणीय मतलब अमित भाई शाह ने, महाराष्ट्र के आदरणीय नेता देवेंद्र फडणवीस साहब जी के मार्गदर्शन में मैं यहाँ काम करता हूँ। मैं किसका किसका नाम लूँ, मेरे लिए सभी जो भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व है और यहाँ महाराष्ट्र में भी, चाहे हमारे मित्र आशीष सलार जी हों, चाहे मुंबई के अध्यक्ष हों, चाहे चंद्रशेखर बावन कॉलेज हों, इसके पहले चंद्रकांत दादा पाटिल थे, सभी लोगों ने कभी कृपा शंकर को अलग नहीं समझा। यही कारण था कि मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी में आके न मैं कभी अकेलापन लगा, न भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझे अपने से अलग समझा। यही कारण था कि आज विश्वास मैं प्राप्त कर लिया हूँ और वो विश्वास फिर से जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार के रूप में दिया है, जौनपुर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार के रूप में दिया है, और मैं जहां रहता मेरे घर के पास बहुत सालों से कमल खिलता रहा है, अब मुझे लगता है कि पूरे जौनपुर में तालाब ऐसे होगा जहां कमल ही कमल दिखाई पड़े। जौनपुर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, उनका विश्वास प्राप्त करना चाहेंगे, किस तरीके से उनको कहेंगे कि अब तक जिन जिन पर भरोसा दिलाया है एक बार कृपा शंकर सिंह पर भी भरोसा दें, उनके जो भी समस्याएं हैं वो। मैंने कहा आपसे उनका विश्वास प्राप्त करना ये मेरा मुख्य ध्येय है।